बेमौसम बरसात और ओले गिरने से मध्य प्रदेश के कई जिलों में किसानों की फसलें चौपट हो गई हैं। किसानों को जल्द राहत मिले इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार खुद मैदान में हैं। फसल में भी राहत हासिल करेंगे। मध्य प्रदेश में अचानक पड़े ओले और पाले से किसानों की खड़ी फसलें चौपट हो गई हैं। इस प्राकृतिक आपदा के समय किसानों का हौसला बढ़ाने और उन्हें मदद पहुंचाने का जिम्मा खुद सीएम शिवराज ने एक बार फिर उठा लिया है। शुक्रवार को निवाड़ी जिले में पहुंचे शिवराज सिंह खेतों में किसानों के बीच पहुंचे। सीएम शिवराज ने अधिकारियों को जल्द मदद करने के निर्देश दिए हैं। अभी मैं खेत देख के आया, दूर से देखो तो थोड़ा बहुत हरा दिखाई देता है, लेकिन पास से देखो तो कुछ नहीं बचा। साफ हो गया। अब मैं जानता हूं दिन और रात मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, कर्जा लेकर खाद डालते हैं, बीज डालते हैं, और अकेले पानी से नहीं पसीने से भी फसलों को सींचते हैं, तब जाके फसल आती है, अन्न के दाने आते हैं, कोई हमारे बच्चों की और हमारी जिंदगी चलाती है। लेकिन आते आते अगर फसल नष्ट हो जाए तो फिर जिंदगी में कुछ बचता नहीं है। लेकिन मैं कहने आया हूं, और केवल आपके लिए नहीं, जाना ओले गिरे मध्य प्रदेश में, चाहे वो पृथ्वीपुर हो, निवाड़ी हो, टीकमगढ़ हो, छतरपुर हो, सागर हो, आज अशोक नगर भी जाने वाला हूं, अभिनीता हो, राजगढ़ हो, छिंदवाड़ा हो, त्रिवेणी हो, पूरे प्रदेश के किसानों को कह रहा हूं, हर खेत में मैं नहीं पहुंच सकता, प्रशासन पहुंच रहा है, राज्य साथी पहुंच रहे, मंत्री पहुंच रहे हैं, लेकिन किसान भाइयों, इस संकट की घड़ी में साथ देने के लिए। निवाड़ी के बाद सीएम शिवराज अशोकनगर जिले पहुंचे। संकट की इस घड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज को अपने बीच देखकर एक बुजुर्ग महिला तो उनसे ऐसे लिपट गई जैसे उनका सगा बेटा उन्हें मुसीबत से निकालने आया हो। ये तस्वीर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम लोगों को मुख्यमंत्री पर कितना भरोसा है। मैं ऐसा है स्वेच्छानदान से 50,000 रुपया कर रहा हूँ, है ना, बाकी कितना क्या रोने की क्या जरूरत है, तुम्हारे भैया मुख्यमंत्री है ना, अब ना चिंता नहीं करो, अच्छे से रहो, खुश रहो, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान देश में उन चुनिंदा मुख्यमंत्री में से हैं जो खुद किसानों के बीच जाकर उनका दर्द बांटते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि लाल फीताशाही के चलते किसानों की मदद का काम कहीं ना अटके। किसान फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज़।